झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बुधवार को ईडी ने रांची की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी। इस बीच ईडी ने हेमंत सोरेन पर कई तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। रिमांड कॉपी में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। सोरेन और उनके करीबियों की व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए कहा कि सोरेन ने न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया बल्कि रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग भी की। ईडी ने व्हाट्सएप चैट के 539 पन्ने होने का दावा किया है, जिनमें से कुछ ही कोर्ट के सामने पेश किए गए। उनमें कई अफसरों के नाम, करंट पोस्टिंग और वो पोस्टिंग कहां चाहते हैं पूरी डिटेल है। ये व्हाट्सएप चैट हेमंत सोरेन और उनके करीबी दोस्त विनोद सिंह के बीच की है, जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं। बोकारो और चलबासा जेल सुपरिंटेंडेंट के ट्रांसफर से जुड़ा कागज भी मोबाइल से बरामद हुआ। कागज में लिखा है ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट। विनोद ने 7 जून 2020 को हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप किया था, जिसमें लिखा था कहीं का डीसी बना देना, नो रिलेशन प्योर कमर्शियल। भाई अभी तक जितनी भी सिफारिश की है किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है। काम होने के बाद जैसा आदेश होगा आपका, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसीडर कर लेना। विश हम भी छोटे सिस्टम के पार्ट होते हैं।